कोरोना की तीसरी लहर आउट ऑफ कंट्रोल, रिकॉर्ड नए केसेस, 24 घंटे में 5,395 मरीज सामने आ गए। मोहलिक वायरस से मजीद 118 अफराद जान से गए। अब तक 15,872 अम्बात, 7,39,818 शहरी मुतासर, 77,294 एक्टिव केसेस। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.34% रिकॉर्ड। वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीके लबैक पाकिस्तान पर पाबंदी की समरी मंजूर कर ली। वफाकी काबीना से भी सर्कुलर समरी के जरिए मंजूरी ली जाएगी। आइंदा 24 घंटे में TLP पर पाबंदी लगने का इम्कान। पुलिस अहलकारों को अगवा करके मुतालबात मनवाने की कोशिश की गई। कभी भी तहरीक लबैक के साथ नहीं था। अलामा खादिम रिजवी से कभी मुलाकात नहीं हुई। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। एहतजाज के बाद चौथे रोज भी ट्रैफिक मुतासर। लाहौर में यतीम खाना चौक और स्की मोड बदस्तूर बंद। कराची में बल्दिया और अतराफ की सड़कों को क्लियर करा लिया गया। 43 अफराद जेरे हिरासत। पूरे मुल्क में तमाम अहम शाहराहों पर ट्रैफिक रवानी से जारी। जत्थों से रियासत पहले ब्लैकमेल हुई ना आइंदा होगी। पुलिस अहलकारों पर तशद्दुद में मुलव्वस मुजरिमों को निशाने इबरत बनाया जाएगा। फवाद चौधरी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस, एहतसाब अदालत ने जेल वारंट का जायजा लेने के बाद शहबाज शरीफ के जुडिशियल रिमांड में तौसी कर दी। हमजा शहबाज की हाजिरी से मुआफी के लिए दरख्वास्त मंजूर, समाचार 4 मई तक मुलतवी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा, 100 बेड्स के अस्पताल का इफ्तिताह, अहम प्रोजेक्ट्स और मुख्तलिफ शोबों पर ब्रीफिंग। सिपासालार की मुस्तकबिल के मंसूबों की तकमील के लिए भरपूर तआवुन की यकीन दहानी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं रिमझिम, कहीं मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। खैबर पख्तूनख्वा में भी गरज बरस। बारिश का सिलसिला 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अजीम। मैं हूं आपके साथ फिजा रियाज। हेडलाइंस अपने जान ली खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन का आगाज करते हैं। कोरोना वायरस मुसलसल मौत बांट रहा है। मोहलिक वायरस मजीद 118 जिंदगियां निकल गया। अम्बात की तादाद 15,872 हो गई। 24 घंटे में 5,395 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुतासर अफराद की कुल तादाद 7,39,818 तक जा पहुंची है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 77,294 हो गई। क्या से गफलत मौत को दावत, कोरोना वायरस इंसानी जिंदगियों को मुसलसल हड़प कर रहा है। NCOC के ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 118 अमवात हुई, जहां बाहक अफराद की तादाद 15,872 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 5,395 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 7,39,818 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 77,294 हो गई। NCOC के मुताबिक 4,276 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, ताहम 6,46,652 मरीज सेहत याब भी हो चुके हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,70,310, खैबर पख्तूनख्वा में 1,02,290, पंजाब में 2,58,441, इस्लामाबाद में 68,066, बलूचिस्तान में 20,580 और आजाद कश्मीर में 14,978 मरीज हैं, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 5,153 है।
NCOC के मुताबिक गुजशत 24 घंटे के दौरान 46,685 जबकि मुल्क भर में 1,09,42,771 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मौलिक वायरस से बचाव का वाहिद तरीका एहतियात और सिर्फ एहतियात। वेंटिलेटर्स पर सांस लेने से बेहतर है मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी तकरीबात से दूर रहें, हाथ बार बार धोएं, जिंदगी से प्यार कीजिए, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा। आर्मी चीफ को फौजी फाउंडेशन के मुस्तकबिल के मंसूबों और मुख्तलिफ शोबों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने फौजी फाउंडेशन के अज़्म और कारकर्दगी को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की मंसूबों की तकमील के लिए भरपूर तआवुन की यकीन दहानी। आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान 100 बिस्तर के अस्पताल का इफ्तिताह भी किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। आर्मी चीफ को फौजी फाउंडेशन के मुस्तकबिल के मंसूबों और मुख्तलिफ शोबों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR की जानिब से जारी करदा तफसीलात के मुताबिक आर्मी चीफ ने फौजी फाउंडेशन के अज़्म और कारकर्दगी को सराहा। महंगाई के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर है। पेट्रोलियम मसनूआत 2 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान है। ओगरा की पेट्रोल 2 रुपए फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में भी 2 रुपए कमी की तजवीज़ है। कमी से मुतल्लिक समरी पेट्रोलियम डिवीजन को मौसूल हो चुकी है। ज़राए का ये कहना है कि ओगरा की पेट्रोलियम लेवी में इजाफा ना करने की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इत्तलाक आज शाम को होगा। आपको बताते चले कि पेट्रोलियम मसनूआत 2 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान है। ओगरा की पेट्रोल 2 रुपए फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश। मजीद जान लेते हैं अली मलिक से। अली मजीद बताइएगा। जी, आवाम के लिए एक अच्छी खबर है कि जो ओगरा है उसने अपनी पेट्रोलियम डिवीजन की कीमतों में कमी के हवाले से अपनी समरी अरसाल कर दी गई है। जो हमें जराये ने बताया है कि ओगरा की जानब से जो पेट्रोल है उसकी कीमत में 2 रुपए जबकि डीजल की कीमत में भी 2 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़ दी गई है। ओगरा ने इस दफा जो अपनी समरी अरसाल की है उसमें पेट्रोलियम जो लेवी है जिसमें हुकूमत बाद अवकात रद्दोबदल करती है उसमें पेट्रोलियम लेवी में इजाफा ना करने की तजवीज़ दी गई है। ओगरा की जानेब से जो समरी है ये पेट्रोलियम डिवीजन को मौसूल हो गई है और आज जो वज़ीर आज़म की पेट्रोलियम डिवीजन अपनी समरी वज़ारत खजाना की मुशावरत के बाद जो है ये वज़ीर आज़म के सामने पेश करेंगे और हतमी मंजूरी जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान देंगे और जो नई कीमतें हैं उनको आज उनका आज शाम को ऐलान हो जाएगा कि नई प्राइसेस क्या होंगी और वज़ारत खजाना की जानेब से नई कीमतों का ऐलान किया जाएगा। अगर जो ओगरा की समरी अरसाल की गई है इसको ही फॉलो किया जाता है और हुकूमत इस पर अमल दरामद करती है तो जो 2 रुपए फी लीटर कमी है उसके बाद जो पेट्रोल है उसकी नई कीमत तकरीबन 108.35 रुपए फी लीटर हो जाएगी जबकि डीजल की कीमत में 111.08 रुपए जो है फी लीटर नई कीमत आ जाएगी। तहम इस सिलसिले में कोई जो फैसला है वो भी वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे और वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वज़ारत खजाना जो है वो आज शाम को नई कीमतों का ऐलान करेगी। बहुत शुक्रिया अलीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और शहरियों को सस्ती अशिया खुरानोश की फराहमी के लिए रमज़ान बाज़ार सजा दिए गए हैं। शहरी ख़रीदारी के रमज़ान बाज़ारों में पहुंच गए हैं। रमज़ान बाज़ारों की सूरत हाल पर बात करते हैं। मुख्तलिफ शहरों से मौजूद है दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदगान हमारे साथ। लाहौर से है ज़ाहिद आबिद, रावलपिंडी से मंसूर सती और पेशावर से आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। ज़ाहिद आबिद यहाँ पर मौजूद हैं। ज़ाहिद बताइएगा आज तैयारियाँ कैसी हैं, कोई बेहतरी दिखने में आती है कल की निस्बत? आज बिल्कुल, लाहौर में 10 अप्रैल से ये सिलसिला शुरू हुआ है और इकदाम रोज़ाना किए जाते हैं। तमाम अभी तक एक चीज़ की जो कमी देखी जा रही है वो ये है कि सुबह 9 बजे इनका मुकर्र वक्त है इन बाज़ारों के खुलने का। उस वक्त 9 बजे गाहक तो मौजूद होते हैं लेकिन इंतजाम को हतमी शक्ल नहीं दी जाती। हमने भी आज देखा कि तकरीबन 9:30 बजे तक जो चीनी का स्टॉल था वहाँ चीनी मौजूद थी लेकिन चीनी अभी फरोख्त होना शुरू नहीं हुई थी जिसकी वजह से हमें लंबी कतारें यहाँ पर नज़र आईं। क्योंकि इस वक्त अगर हम ताज़ा तरीन सूरत हाल दिखाएँ तो अभी तक जो चीनी के स्टॉल की सूरत हाल है वो इसी किस्म की है और ये 130 रुपये का 2 किलो का पैकेट मिल रहा है एक शख्स को, जिसके लिए एक तो लाजमी किया जा रहा है कि जिस तरह वोट देते हुए अंगूठे पर निशान लगाया जाता है उसी किस्म का निशान लगाया जा रहा है ताकि दोबारा वो शख्स चीनी आज के रोज़ कम अज़ कम दोबारा ना ख़रीद सके। ताहम इस वक्त चीनी दस्तियाब है। आटा 10 किलो 375 रुपये में यहाँ पर बेचा जा रहा है।
इसके साथ जो सब्जियों की कीमत है वो यकीनन आम मार्केट के मुकाबले में कम है, लेकिन इस वक्त तक जो इन लोगों की जो एक शिकायत नज़र आती हैं वो यही हैं कि एक तो बरवक्त खुल नहीं रहा ये बाज़ार, दूसरा वहाँ पर चीज़ों का मेयार थोड़ा सा लोगों को तहफ़ुज़ात दिखाते हैं। लेकिन आज जो कीमतें मुकर्रर की गई हैं, आलू की कीमत 44 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है जो कि यकीनन मार्केट से कम है, प्याज 23 रुपये फ़ी किलो, टमाटर की कीमत 62 रुपये फ़ी किलो इस बाज़ार सहूलत बाज़ार में है, जबकि आम मार्केट में ये 80 रुपये से 85 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा है, जिससे लगता है कि टमाटर की कीमत में इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ जो चिकन मटन है वो 900 रुपये फ़ी किलो यहाँ पर बेचा जा रहा है, जबकि चिकन 351 आम मार्केट रेट है, लेकिन यहाँ पर 10 रुपये कम 341 हमारे साथ ही रहेगा। रावलपिंडी का रुख करते हैं, मंसूर सत्ती से जान लेते हैं कि रावलपिंडी में क्या सूरत हाल है। जी मंसूर। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में जो 16 सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं मुख्तलिफ तहसीलों समेत, रावलपिंडी शहर के अंदर 10 सहूलत बाज़ार जो सस्ते रमज़ान बाज़ार हैं वो लगाए गए हैं, और इस टाइम में जहाँ मौजूद हूँ ये नवाज़ शरीफ पार्क का सबसे बड़ा सस्ता बाज़ार है और मेन मरी रोड पर यह बाज़ार कायम है। लेकिन यहाँ पर जो मेयार है इशाए खुरनोश का वो इंतहाई नाकस है, और जो रेट्स का जो दावा किया गया था हुकूमत पंजाब की जानब से कि 25% कम इशिया जो कीमतें हैं उन पर कम चीज़ें यहाँ से मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर चीज़ें दस्तियाब नहीं। सबसे बड़े जहाँ पर जो लोग खरीदार आ रहे हैं वो चीनी खरीदने आ रहे हैं, लेकिन चीनी का जो स्टॉल है वो खाली नज़र आता है, लोग मायूस लूट रहे हैं। दूसरी जानब यहाँ पे आटा तो दस्तियाब है, वाफर मकदार में दस्तियाब है, 375 रुपये का 10 केजी का मिल रहा है, लेकिन ख़रीदने वाला कोई नहीं क्योंकि उसका मियार अच्छा नहीं है।